आपने विधवा, बुजुर्ग, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर को पेंशन मिलते हुए सुना होगा, लेकिन अब एक अनोखी पेंशन स्कीम सामने आई है। हरियाणा सरकार अब कुंवारों को भी पेंशन देगी। मतलब अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप कोई रोजगार भी नहीं करते हैं तो खर्चा चलाने के लिए हरियाणा सरकार आपको हर महीने पैसे देगी। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। वेल, अनमैरिड लोगों के साथ बहुत सी प्रॉब्लम होती है। उम्र बढ़ने के साथ शादी ना होने की वजह से ताने तो सुनने ही पड़ते हैं, और अगर आप कोई जॉब भी नहीं करते तो समाज आपको निकम्मा होने का टैग दे देता है। कुछ ऐसी ही शिकायत लेकर एक 60 साल के अनमैरिड आदमी ने हरियाणा सीएम से कंप्लेन की। उसका कहना है कि उसे भी पेंशन मिलनी चाहिए। अब सरकार को इस आपदा में वोट बैंक का अवसर दिख गया। उन्होंने इस अर्जी को तुरंत एक्सेप्ट करते हुए कुंवारों को पेंशन देने का ऐलान कर दिया। जाहिर तौर पर अगले साल स्टेट में विधानसभा का इलेक्शन होने वाले हैं, तो खट्टर सरकार ने 45 से 60 साल के लोगों को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया है, क्योंकि इस एज ग्रुप के स्टेट में ऑलमोस्ट 2 लाख लोग हैं। हरियाणा में आज अनमैरिड लड़कों की ये कंडीशन उन्होंने खुद बनाई है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है जेंडर इनइक्वालिटी। एक समय था जब हरियाणा भ्रूण हत्या के लिए जाना जाता था। लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। लड़कियां समाज के लिए बोझ लगती थी, और धीरे धीरे अनमैरिड लड़के समाज के लिए बोझ लगने लगे हैं। अब लड़की रहेगी नहीं तो बहन किसको बनाओगे, बीवी किसको बनाओगे, किसी का बेटा कैसे बनोगे। यही नहीं, हरियाणा में अनमैरिड लोग अभी भी दूसरे स्टेट की लड़कियों से शादी कर रहे हैं। 2011 में हरियाणा का सेक्स रेशियो 879 था। इट मींस 1000 लड़कों पर बस 879 लड़कियां। हालांकि अब धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। पीएम मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की वजह से इस सेक्स रेशियो में कुछ हद तक सुधार हुआ है। प्रेजेंट टाइम हरियाणा का सेक्स रेशियो 1000 पर 917 हो गया है। ऑल्दो सरकार की ये पेंशन उन्हें ही मिलेगी जिनकी ईयरली इनकम 1.1 लाख से कम होगी, यानी जो कुंवारे महीने के 15,000 से भी कम कमाते हैं उन्हें ही ये सरकार पेंशन देगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो बीजेपी फ्री बीज के सख्त खिलाफ है, वहां सीएम खट्टर का ये ऐलान ऑपोजिशन को बोलने का मौका जरूर देगा। वैसे सीएम खट्टर इसे पेंशन स्कीम क्यों कह रहे हैं? इसे तो बेरोजगारी भत्ता का नाम दे देना चाहिए, क्योंकि पेंशन तो उन्हें मिलता है जो असहाय होते हैं या जो लोग रिटायर हो चुके होते हैं। द बिग बेंच पर बैठ के सोचने वाली बात यह है कि ऐसे स्कीम से युवाओं की आदत खराब होगी, उन्हें काम ना करने का एक बहाना मिल जाएगा, और ऐसी स्कीम की वजह से पीएम मोदी को अपोजिशन की तरफ से खरी खोटी सुनने को मिलेगी। वैसे आपका इस स्कीम पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड कीप वॉचिंग द बिग बेंच टीवी।